नमस्कार नितिक जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको भी अभिषेक सर बहुत बहुत थैंक्स, और एनबीसी 24 की पूरे टीम को थैंक्स कि उन्होंने एसटीईटी के तमाम मुद्दे को अच्छे तरीके से उठाया। बहुत कम ही मीडिया कर्मी हैं सर, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें या फिर प्रिंट मीडिया हो, जो मतलब कि शिक्षा की खबरों को उजागर करते हैं। इसके लिए आपको और आपके पूरे टीम को दिल से थैंक्स। कुछ सवाल रहेगा ऋतिक जी आपसे, लगातार आंदोलन कर रहे थे आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीच में आप लोगों का आंदोलन जो है वो बंद हो गया था, लेकिन फिर से आप लोग पटना की धरती पे आ रहे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पे आएंगे और लगातार आंदोलन करेंगे। 6 जून से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है आंदोलन, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? सर देखिए, आंदोलन दरअसल व्यक्तिगत विशेष नहीं होता है जी। शिक्षा जगत के मतलब मैं जो कुछ भी हलचलें होती हैं उसके प्रति मतलब सामाजिक मुद्दों में ही इसको शामिल किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि एसटीईटी में मेरिट के कैंडिडेट इसके पहले कई सारे आंदोलन किए और 20 में आंदोलन नहीं हुए। इसके रीजन थे सर कि जैसे 20 में जो कुछ भी हो रहा था, सरकार के द्वारा कई बयान आए थे, तो वक्त का इंतजार किया जा रहा था और ऐसा मोमेंट अब बना है कि 6 जून को एक लास्ट और आखिरी आंदोलन समझ के, या इसे आप भूख हड़ताल कहिए या आमरण अनशन, चाहे जो इसको संज्ञा दीजिए आप, लेकिन ये पूरी तरीके से लास्ट आंदोलन होगा जिसमें मुख्यतः 3 मांग को लेकर के आगे बढ़ना है। पहला मांग होगा गवर्नमेंट एसटीईटी 2019 की जो बहाली की, जिसने मेरिट लिस्ट का कॉलम दी है। सरकार इस पूरी बहाली प्रक्रिया को, जो विगत जितनी बहाली प्रक्रिया एकेडमिक मार्क्स को ध्यान में रख के की गई है, उससे इतर एसटीईटी मार्क्स पे पूरी बहाली संपन्न। दूसरी मांग, सरकार कहती है कि ऑनलाइन हम बहाली करने जा रहे हैं। हमारा मांग है कि सरकार सिर्फ ऑनलाइन बहाली न करे, ऑनलाइन के साथ सेंट्रलाइज बहाली, यानी ऑनलाइन विद सेंट्रलाइज बहाली। तीसरी मांग है कि सरकार अति शीघ्र 7th फेज का नोटिफिकेशन माध्यमिक बहाली के लिए जारी करें। इन 3 मांगों के साथ 6 जून आंदोलन होगा। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा, जो अभ्यर्थी हैं आंदोलन, इस आंदोलन में शामिल होंगे, उनको क्या कहिएगा? मैं ये कहूंगा सारे लोगों को, और मैं बिहार के लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि पूरी बहाली प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में होती है, उसमें यह एक अलग टाइप के एग्जाम्स कराए गए, जिसमें जितने सीट डिक्लेयर किए गए थे उतने लोगों का मेरिट लिस्ट का कॉलम बना। और मेरिट का महत्व तो क्या होता है ये एक चपरासी से लेकर के यूपीएससी क्रैक करने वाला आदमी जानता है, अब ना समझ वाले लोगों को क्या कहा जाए, लेकिन हर कोई जानता है। तो मेरिट का अहमियत लोगों को भी समझना चाहिए और मेरिट का कभी हीनता के तौर पर ना देखा जाए। मेरिट खुद का शब्द ही मेरिट है। जो जितने सारे लोग हैं जो एसटीईटी के कैंडिडेट हैं, नॉट मेरिट में भी जो लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं, महज चंद नंबरों से वो बाहर हुए हैं, वो इस बात को समझते हैं, तो नॉट मेरिट का भी भला हो। इसके लिए अगर एसटीईटी मार्क्स से बहाली होती है तो 30,000 लोग मेरिट में आए और सरकार 80,000 टीचरों की बहाली की बात की है, तो ये 50,000 बच्चे नॉट मेरिट कहीं आएंगे। तो यहाँ मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा ज्यादा नहीं है, ये कुछ लोगों की नासमझी है जो नॉट मेरिट के लोग मेरिट को तौहीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मुद्दा है कि 7th फेज बहाली में सरकार एसटीईटी मार्क्स पे पूरी बहाली प्रक्रिया संपन्न करे, और इसके लिए मेरिट नॉट मेरिट दोनों साथ ही हैं सर। ये लोग समझते हैं कि मेरिट क्या होता है, इसलिए एसटीईटी मार्क्स पे अगर बहाली होता है तो सबका भला होगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं ऋतिक जी कि जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी मेरिट लिस्ट में वो बैकडोर एंट्री से आ गए हैं, पैसे दे के अंदर आ गए हैं, वो लोग पास अभ्यर्थी नहीं है, क्या कहिएगा इस पर? अच्छा चलिए सर, लोगों का एक आदत है, हमारे सोसाइटी का सर क्या कहिए कि एक मतलब एक तरीके का बनाया हुआ संरचना ही है कि अगर हम किसी चीज में हमें कमियां हैं तो लोगों पे हम उजागर करते हैं। अब नॉट जो लोग हैं जिनके मार्क्स महज 70, 80, 85, 90 के करीब है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन लोगों पे उतारते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए सर कि अगर एसटीईटी में जो मेरिट के कैंडिडेट हैं, अगर वो बैकडोर से एंट्री है, उनका पैराशूट लैंडिंग है, या फिर जैसे तैसे उनका सिलेक्शन हो गया है, तो इन लोगों को कम से कम अपने एक बात पे कायम होना चाहिए।
क्योंकि 12 मार्च को जब रिजल्ट जारी किया गया उस समय बैक डोर पैराशूट की लैंडिंग नहीं थी, 21 जून का रिजल्ट, तब से पैराशूट और बैक डोर की लैंडिंग हो गई। और ये जितने लोग ऐसा बयान देते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, ये सवाल भी करना उचित नहीं है, लेकिन बस मैं चंद शब्दों में कह देना चाहूंगा कि 12 मार्च के बाद जो 21 जून का रिजल्ट आया था, अगर एक भी कैंडिडेट का 80,000 में एक नंबर का डिफरेंट हो 12 मार्च और 21 जून में, तो पैराशूट लैंडिंग हम बोल सकते हैं, पर ना समझ लोगों को कैसे समझाइएगा। 80,000 में कोई एक कैंडिडेट है डेफिनेटली वो मेरे सामने अपना मार्कशीट दिखाए विद प्रूफ के साथ, सरकार के अगेंस्ट आ जाऊंगा सर, इससे ज्यादा क्या कहूं। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दी, क्योंकि आप देखिए कि कभी भी लड़ाइयां जो होती है सर वो सच के अगेंस्ट ज्यादा होती है। 50,000 बच्चे ये हैं, 30,000 मेरिट के कैंडिडेट हैं, ये कुछ करते नहीं है, ये मेरिट को बस उकसाने का काम करते हैं। ये कैसे है? नोट मेरिट के अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल होंगे कि नहीं? नॉट मेरिट के कैंडिडेट सर शामिल होंगे। एक और बात, जो नहीं शामिल होंगे सर, किसी पे दबाव नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी का मांग नहीं है सर, ये 80,000 रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सरकार नियमावली जारी करने वाली है वो अति शीघ्र जारी करे। STET मार्च की बहाली का इंडिकेशन हालांकि शिक्षा मंत्री ने भी दे दिया है सर, तो 80,000 की बहाली है, तो इसमें मेरिट नॉट मेरिट सभी लोगों को शामिल होना चाहिए और होंगे सर, उम्मीद है, क्योंकि अगर इस बार जब आप देखे हैं सर कि प्राइमरी वाले बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जी सरकार प्राइमरी का नोटिफिकेशन जुलाई एंड में जारी करने की बात रख दी, जुलाई में ना अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक में तो कर ही देगी। बिल्कुल, प्राइमरी वाले आंदोलन करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट सरकार शिक्षा विभाग है वो प्राइमरी का बात रख देती है, माध्यमिक वाले आंदोलन करेंगे तो माध्यमिक की बात रख देगी, यानी कि ब्रेकर प्राइमरी में भी दो ब्रेकर वो कर देगी, BTET CTET को लेकर के, स्टेट में भी मेरिट नॉट मेरिट को लेकर के ब्रेकर बना ही दी है, और इसमें भी बहाली प्रोसेस प्राइमरी का कुछ और माध्यमिक का कुछ और, ये ऐसा कर कर के बहाली के बीच में खाई पैदा करती है जिससे ये बहालियां कंटिन्यू मतलब एक रेदम में कंप्लीट ना हो। तो हम चाहते हैं उनको जो प्रोटेस्ट होगा कि ये पूरी बहाली आप कंटिन्यू बना के रखिए और जल्द से जल्द शट आउट कीजिए। और रीजन इस पीछे है सर, विगत 2 सालों में आपने देखा होगा कि हमारे बिहार के अंदर में 19 के बाद से 6,400 कुछ स्कूल हैं जो मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल थी उनको अपग्रेड करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तब्दील किया गया है, 9th 10th और 11th 12th, लेकिन सरकार की ये मतलब सिर्फ मीडियाबाजी थी। तो 6,400 समथिंग स्कूलें जो अपग्रेड की गई, ये 2020 की बात है, 2022 तक जहां स्कूलें अपग्रेड हुई वहां पर अभी तक स्कूल के लिए कोड बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिए गए थे, और सरकार ये कह रही थी कि हमने स्कूल तो अपग्रेड कर दिया है बट पढ़ाई भी चल रही है, जो कि सर्वथा गलत था। 2022 से जितने भी स्कूलें अपग्रेड हुई हैं वहां पे अभी कोड भेजे गए हैं, और कोड दे करके हर एक जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें लेटर भेजा गया है और कहा गया है कि 2022 और 24 सेशंस में नामांकन कंप्लीट किया जाए और यहां सुचारू रूप से एडमिशंस लिए जाए, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया कर ली गई है, और उसमें यह भी कहा गया है कि 1/40 40 बच्चों के एक टीचर अति सिक्स बहाल मतलब सिर्फ बहाल करने की जरूरत है। तो इंडिकेशन साफ है कि 7th फेज में माध्यमिक की बहाली अति शीघ्र ही शुरू होगी, और ये इंडिकेशन सर एक ये भी मिल रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, पता नहीं ये सच हो या झूठ, कि इस साल के लास्ट तक सरकार की प्लानिंग है कि माध्यमिक की बहाली कंप्लीट की जाए। हालांकि बिहार सरकार की बातें कितनी सच होती है ये हर कोई जानता है, लेकिन इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं सर कि ये बहाली प्रक्रिया एटलीस्ट जल्द ही कंप्लीट होगी और स्टार्ट भी होगी। बिल्कुल देख सकते हैं STET मेरिटधारी अभ्यर्थी ऋतिक थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखिए 6 जून से इन लोगों का महा आंदोलन होने जा रहा है पटना के धरती पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहां पे ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। देखिए ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी बहाली जो है वो अटकी हुई है, लगातार शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन मिलता है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं होता है। जितने मेरिट के कैंडिडेट हैं
मेरिट के कैंडिडेट एक बात समझ लें आप, हम जानते हैं कि मेरिट में मैक्सिमम कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी कॉम्पिटेटिव नेचर्स के बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, पर वो अभी तक सिलेक्ट कहीं फाइनली नहीं हुए, जैसे मैं भी, हर किसी का हालात वही है सर कमोबेश। उनसे मैं यही कहूँगा कि तैयारियाँ तो चलती रहेगी, लेकिन ये जॉब मतलब अब आपके सामने है, कुछ चंद महीनों में आप अपने स्कूल में पदस्थापित होंगे, इस बात को समझिए, आप थोड़ी सी लापरवाही आपको बर्बाद कर सकती है और आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको जल्द किसी न किसी माध्यमिक स्कूल में बहाल कर सकती है जी। इस बात को समझिए, आप लोग 6 जून से जो आंदोलन हो रहे हैं, विगत जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे अलग आंदोलन ये होगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, यहाँ मेरिट नॉट मेरिट की बात नहीं है, क्योंकि 30,000 मेरिट के कैंडिडेट हैं, 80,000 बहाली होने जा रही है, तो नॉट मेरिट में भी जो 190 नंबर के आसपास एसटीईटी का जिनका अंक है, चाहे वो नॉट मेरिट में ही क्यों ना हो, उनको इस आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के सारे लोगों का सिलेक्शन दिख रहा है, जैसे कि लैंग्वेज में सब देखिए, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ में भी इतने सीटें इंक्रीज हो रही हैं सर कि नॉट मेरिट के सभी लोगों को ले लिया जाए फिर भी ये सीटें फुलफिल होने नहीं जा रही। इस बात को समझते हुए 6 जून को आंदोलन अगर आप प्रेजेंट होते हैं तो सरकार तुरंत आपके बारे में भी, आपके विषय में भी या माध्यमिक बहाली के लिए नोटिफिकेशन तक रिलीज कर सकती है। ये बात समझते हुए अपने लिए आप जरूर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम अभ्यर्थी एक साथ आए ऐसा नित्य का कहना है, और 6 तारीख को आंदोलन होने जा रहा है जिसमें तमाम अभ्यर्थियों को इन्होंने बुलाया है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।